हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन ड्राइव इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करीब करीब हज़ार किलोमीटर की जर्नी पे निकल रहे हैं। देखते हैं हमारी गाड़ी को कहाँ कहाँ चार्ज करना होगा, कहाँ नहीं करना होगा। और आज हम यूपी होते हुए बिहार की तरफ जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कहाँ रुकना पड़ता है। सो भगवान का नाम लेके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं 9168 किलोमीटर अभी तक हम जा चुके हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा जो ट्रिप का मीटर है 997। सो हम 1000 किलोमीटर की जर्नी पे निकले थे 11 तारीख को और आज हो रहा है 13। बीच में हमने एक दिन का गैप लिया और आप देख सकते हैं अभी हमारी जर्नी चल रही है। करीब करीब 50 किलोमीटर और जाना है हमें। सो ये पहली जर्नी है नेक्सॉन ईवी की मेरी, जो कि 500 से ऊपर है और वन वे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक तरफ का 1000 किलोमीटर आ गए हैं और हमें वापस भी 1000 किलोमीटर जाना है। सो इस 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस जगह जगह पे हो जाए तो नेक्सॉन ईवी में 1000 किलोमीटर की भी जर्नी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी बहुत ही कम्फर्टेबल है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है और इसमें आपको थकावट भी बिल्कुल नहीं होती। आप एक दिन के अंदर 600, 700, 800 किलोमीटर भी चला सकते हैं अगर हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल होंगे तो। सो अभी हम कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, देखते हैं हमारा 1000 किलोमीटर का ट्रिप किस तरह पूरा होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं कोचस की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वैसे तो वन वे सिंगल लेन है, एक जिस तरफ से गाड़ी जा रही है सिंगल ट्रैक इसी में बस, लेकिन रोड काफ़ी सही है। और हम लोग प्रयागराज से 5:30 निकले थे और अभी हमारा टोटल ये रिसेंट ट्रिप हो चुका है 218 किलोमीटर। 218 किलोमीटर में हमारी बैटरी गई है टोटल 74%। हमने बहुत ही आराम से चलाया, करीब करीब 50-60 के स्पीड के बीच चलाया है, जिसकी वजह से हमें 3 किलोमीटर पर परसेंट के हिसाब से चार्जिंग मिली है। सो ये टोटल ट्रिप मेरे गांव तक 280 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हाइपर माइलिंग करनी पड़ी, पर ठीक है। सुबह सुबह निकले थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, चल जाता है। अगर आपको भी कभी हाइपर माइलिंग करनी हो, 200-250 से ऊपर का रेंज निकालना हो तो आप प्रेफर करें कि 4 और 5 के बीच में सुबह निकल जाएं अपने घर से, ताकि आप 6-7 घंटे में 12 बजे से पहले अपने डेस्टिनेशन को पहुँच पाए, जैसा कि हमने किया। और तो हम 5:30 निकले थे, लेकिन थोड़ा पहले भी निकलते तो और बेटर होता, बट अभी भी गर्मी ठीक है और हम इजीली पहुंच सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 46 किलोमीटर का टारगेट बचा हुआ है और अभी हमारे पास 26% बैटरी बची हुई है, जो कि इजीली हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अभी हमारा ट्रिप हो चुका है 220 किलोमीटर के आसपास। हमारा 999 पहुंचने वाला है और 1000 किलोमीटर का ट्रिप हम इस वीडियो में अचीव करना चाहते हैं। ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आज तक मैंने 1000 किसी भी गाड़ी में ड्राइव नहीं करी है, इलेक्ट्रिक तो दूर की बात है। ये हमारा टिक-टिक 1, टिक-टिक 2, टिक-टिक 3, टिक-टिक 4, टिक-टिक 5, टिक-टिक 6, टिक-टिक 7। यस, हमारा 1000 किलोमीटर का ट्रिप बहुत ही प्यार से पूरा हो गया
ट्रिप पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, एस्केलेट करा हुआ है कि जो भी चार्जिंग स्टेशन हैं एटलीस्ट वो तो काम करें, अदरवाइज हम एक दिन पहले ही पहुंचते हैं यहाँ पे। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय।